दोस्तों आज हम जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम यात्रा करने जा रहे हैं। 6 किलोमीटर के इस पैदल मार्ग में अभी क्या स्थिति है, कैसे इंतजाम है, सब चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। यमुनोत्री धाम के ताजा नजारे आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ घर बैठे आप यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा का भी अनुभव ले पाएंगे। हम आपको वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ से ग्लेशियर पिघलते हुए माँ यमुना की शुरुआत होती है। घर बैठे यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में जय यमुना मैया, जय यमुनोत्री धाम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं यमुनोत्री धाम। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। आपके एक लाइक शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आप हमारा काम पसंद कर रहे हैं, हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अभी मौजूद हैं हम जानकी चट्टी में। ये जानकी चट्टी के आसपास का नजारा है। यहां से पैदल मार्ग शुरू होता है यमुनोत्री धाम यात्रा का। सामने का व्यू देखिए आप, बेहद खूबसूरत लग रहा है। और यहां आसपास में बहुत से खाने पीने के ढाबे, कुछ दुकानें मौजूद हैं जो फिलहाल पूरी तरह से बंद हैं। ये जानकी चट्टी की कार पार्किंग है और कार पार्किंग के दूसरी छोर पर यमुना रिवर फ्लो कर रही है और इसके दूसरे छोर पर कुछ होटल्स बने हुए हैं। इसी होटल की बालकनी से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। होटल्स की बात करें तो जानकी चट्टी में बहुत कम दाम में आपको रूम मिल जाते हैं। ये जो रूम आप देख रहे हैं, इस रूम का चार्ज 600 रुपये है, जिसमें 2 डबल बेड मौजूद हैं। इसके अलावा GMBN के रेस्ट हाउस भी जानकी चट्टी में मौजूद है। तो चलिए आज हम आपको यमुनोत्री धाम यात्रा पर ले चलते हैं और आप घर बैठे यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा कर पाएंगे। यात्रा की शुरुआत में ही कुछ नोटिस बोर्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप BP के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ आपको है तो आपको बहुत ही एहतियात बरतनी होगी। प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही आप इस यात्रा को करें। यहाँ से यमुनोत्री पैदल मार्ग की शुरुआत हो जाती है। सामने लिखा हुआ है यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन एग्जैक्ट मैं दूरी की बात करूँ तो करीब 5 किलोमीटर 750 मीटर का डिस्टेंस है। ये पतला सा रास्ता है जो फिलहाल पूरी तरह से खाली है। यहां से मुख्य स्थानों की कुछ दूरी भी दर्शाई गई है। इस तरह के नोटिस बोर्ड हमें पूरे 5 से 6 किलोमीटर की इस यात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। यहां भी कुछ होटल्स बने हुए हैं जो फिलहाल तो पूरी तरह से बंद हैं। कोई भी टूरिस्ट यहां मौजूद नहीं है। स्थानीय लोग भी यहां चुनिंदा ही मौजूद हैं और वो अपने होटल्स को, अपने घरों को अच्छे तरीके से बंद करके यहाँ से जा चुके हैं। ये सामने आप GMVN का रेस्ट हाउस देख रहे हैं। अगर आप जानकी चट्टी में स्टे करना चाहते हैं तो आप GMVN के रेस्ट हाउस में भी स्टे कर सकते हैं, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये है जानकी चट्टी की पुलिस चौकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। वेदर की बात करूँ तो फिलहाल क्लाउडी है, बादल हो रखे हैं, तो किसी भी वक्त बारिश भी यहाँ हो सकती है। अमूमन यमुनोत्री धाम यात्रा जब हम करते हैं तो बारिश हो ही जाती है। 5 से 6 किलोमीटर की इस दूरी में हमें एक या दो बार बारिश का सामना करना पड़ जाता है। ये जो पॉइंट है, ये है प्रीपेड काउंटर। घोड़ा, खच्चर, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं और उसके बाद ही आप अपनी आगे की यात्रा पूरी करेंगे। ये एक लोहे के पुल से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ यमुना जी का, और इस तरह के 3 शेड आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेंगे। बारिश के समय ये बहुत यूज़फुल हो जाते हैं, बहुत इनका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बहुत ज़ोरदार बारिश अमूमन यहाँ पर होती है। रास्ता देखिए आप, पूरी तरह से खाली है, कोई टूरिस्ट मौजूद नहीं है, कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं।
ये देखिए आप बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा यमुना जी का। बहुत ज़्यादा हरियाली यहाँ पर रहती है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ के पहाड़ गीले हैं जिस कारण यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है। और ये देखिए ये रास्ता है यमुनोत्री धाम जाने का। अमूमन यात्रा सीजन में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हजारों लोग प्रतिदिन यमुनोत्री धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं। पहाड़ों से देख सकते हैं आप किस तरह से पानी टपक रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे यमुनोत्री धाम यात्रा कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में यमुना मैया के भोले बाबा के जयकारे जरूर लगाइएगा। कुछ इस तरह के रास्तों से हमें निकलना होता है और आगे बढ़ते जाएंगे। रास्ता पूरी तरह से खाली है। हमने अभी सुबह ही इस यात्रा की शुरुआत की है। शुरुआत में हमने देखा था कि कुछ जंगली जीव जंतु हमें देखने के लिए मिले। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है, जिस वजह से जंगली जीव जंतु ट्रैकिंग मार्ग पर भी आ जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत नज़ारा यमुनोत्री के इन गगनचुंबी पहाड़ों का। 5 से 6 किलोमीटर की जो ये यात्रा रहती है बहुत खूबसूरत रहती है। प्रकृति के बहुत खूबसूरत नज़ारे हम यहाँ से देख पाते हैं। यहाँ भी कुछ नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। यमुनोत्री धाम की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर रह गई है, लेकिन बीच बीच में जो हम नज़ारे यहाँ से देख पा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। 6 किलोमीटर की ये यात्रा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें देती है। जगह जगह पर यहाँ पर पीने के पानी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एक मंदिर मौजूद है, यहाँ पर बाबा नीलगिरी बर्फानी जी हमेशा मौजूद रहते हैं। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। मंदिर के सामने ही शौचालय बने हुए हैं और यहाँ नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। तो इस तरह के नोटिस बोर्ड तो जगह जगह हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह है यमुनोत्री धाम जाने का एक वैकल्पिक मार्ग। साल 2015 में जब मैं यमुनोत्री धाम आया था पहली बार, तो मैं इस वैकल्पिक मार्ग से यमुनोत्री धाम गया था। ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि ये रास्ता उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, तो आप इस रास्ते से न जाएं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहाड़ पूरी तरह से ट्रैक पर झुका हुआ है। यहाँ से यमुनोत्री धाम की दूरी रह गई है मात्र अब 3 किलोमीटर और सामने से आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल माँ यमुना जी में नीचे गिर रहा है। छः किलोमीटर के इस ट्रैक में फिलहाल कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है हमारे अलावा। चार धाम यात्रा की अगर मैं बात करूँ तो यमुनोत्री धाम सबसे पहला धाम होता है। चारों धाम में सबसे पहले हमें यमुनोत्री धाम में ही दर्शन करने होते हैं, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ में हम अंतिम दर्शन करते हैं। तो यही तरीका है चार धाम यात्रा को पूरा करने का। अमूमन सभी वीडियो में मैं बताता हूँ कि चार धाम यात्रा का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो आप मई या जून के महीने में या फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर आप चार धाम यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से व्यू और इस पैदल मार्ग पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है सिवाय हमारे और कुछ यहाँ के डॉग मौजूद हैं। इस तरह के टी शर्ट जगह जगह मौजूद हैं। मौसम अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश शुरू हो गई है, तो हमें इस टीन शेड के नीचे ही रुकना होगा। लेकिन पिछले काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर मरम्मत कार्य उतना नहीं हो पाया है, तो टीन शेड भी लगभग टूट चुके हैं। यहाँ से पहले दर्शन होते हैं यमुनोत्री धाम के।
बहुत ज़्यादा बादल हो चुके हैं जिस वजह से हमें क्लियर व्यू नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से भी यमुनोत्री धाम का क्लियर व्यू दिखा सकूँ। यमुनोत्री धाम दोनों साइड से ऊंची ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा बहुत लो रहता है और मॉइस्चर कंटेंट यानी कि नमी यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ के पहाड़ गीले हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं टीन सेड, लेकिन अभी मरम्मत कार्य यहाँ पर नहीं हो पाया है। जैसे ही यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले इन सभी जगहों पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। बारिश काफ़ी तेज हो रही है, बारिश बंद होने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो टीन शेड लगे हुए हैं ये यहाँ पर ढाबे हुआ करते थे। जब यात्रा शुरू होती थी तो यहाँ पर अच्छे खासे ढाबे बने हुए थे जो फिलहाल पूरी तरह से टूट चुके हैं, कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है। और यह है माँ यमुना जी का एक विकराल रूप। यमुनोत्री धाम से कुछ इस तरह के नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप यमुनोत्री धाम यात्रा करने आने वाले हैं। यमुना जी का एक शानदार विकराल रूप आप यहां से अनुभव कर पाएंगे। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा अभी बारिश हो रही है जिस कारण यमुना जी में जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है। यहां भी कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं लेकिन वो भी फिलहाल अभी बंद हैं। आप यमुना जी का इस शानदार व्यू को एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। यह है यमुनोत्री धाम में मौजूद गर्म पानी का कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि आपको पहले यहाँ पर स्नान करना होगा, उसके बाद ही आप यमुनोत्री धाम में दर्शन करने जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। नीचे यहाँ महिला स्नान घाट बनाया गया है जहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं, और ये पुरुषों के लिए जगह है जहाँ पुरुष स्नान करने के बाद दर्शन करते हैं। फिलहाल यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है, कोई यात्रा अभी बंद है, अन्यथा बहुत से श्रद्धालु यहाँ स्नान करते रहते थे। यह है मंदिर के पास से एक खूबसूरत सा नज़ारा यमुनोत्री धाम का। ये कुंड का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर चावलों को एक कपड़े में लपेटकर पकाया जाता है। पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि कपड़े में बंधे हुए चावल कुछ ही मिनटों में गल जाते हैं। यमुनोत्री धाम के सामने से ये खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं। यमुनोत्री धाम के पीछे के पहाड़ गर्म पहाड़ हैं और यमुनोत्री धाम के सामने वाले पहाड़ यानी यमुना नदी के दूसरे छोर के पहाड़ ठंडे पहाड़ बताए जाते हैं। मंदिर के पीछे ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं ये गर्म पहाड़ हैं, जिस कारण यहाँ पर गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है। अभी बहुत ज़्यादा बादल हो चुके हैं और बारिश भी रुक रुक कर लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत व्यू यमुना जी का यमुनोत्री धाम से। अगर आप यमुनोत्री धाम में कभी दर्शन करने आए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आपने फेस किया, सब चीजें बताइएगा। इस तरफ से माँ यमुना नदी की शुरुआत होती है। हम आपको वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ से आप सीधे तौर पर देख पाएंगे कि यमुना जी ग्लेशियर से पिघलते हुए नीचे आ रही हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का ये नज़ारा देखने में लग रहा है। मैं हमेशा चारधाम यात्रा के बारे में सभी लोगों से बताता हूँ कि धार्मिक यात्रा के साथ साथ इस तरह के प्राकृतिक नज़ारों को देखने का जो अनुभव रहता है वो बहुत खास रहता है। फिलहाल यहाँ यमुनोत्री धाम में पंडित पुरोहितों के अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। आप लोग भी अभी दर्शन करने नहीं आ पाएंगे।
आप देख सकते हैं सामने ऊपर ग्लेशियर से पिघलते हुए यमुना जी आ रही हैं। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ऊंचाई से पहाड़ों से यमुना नदी की शुरुआत हो रही है, और ठीक नीचे आने के बाद कुछ इस रूप में यमुना जी हमें देखने के लिए मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की ही सुंदरता हमें यमुना नदी की मैदानी इलाकों में भी देखने के लिए मिले, लेकिन दिल्ली मथुरा जब हम कुछ अन्य जगहों पर जाते हैं तो यमुना नदी का जो दृश्य हम देखते हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हम लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे कि यमुना जी को दूषित न करें। जो रूप हम यमुना जी का यहाँ देखते हैं वही रूप हम मैदानी इलाकों में भी देखना चाहेंगे। यह है हनुमान जी का मंदिर जो यमुनोत्री धाम में दाईं ओर पर स्थित है, आप यहाँ भी दर्शन जरूर करिएगा। अब आपको मंदिर में ले चलते हैं, यह है यमुना जी का मुख्य मंदिर, दर्शन करके आप लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में जय यमुना मैया जय यमुनोत्री धाम जरूर लिखिएगा। लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा बंद है, कोई भी श्रद्धालु यहां मौजूद नहीं है। आने वाले समय में जब भी यात्रा शुरू होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताया जाएगा, तब तक ऐसे ही आपको वर्चुअल दर्शन हमारी वीडियो के माध्यम से आपको लगातार होते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, जय यमुनोत्री मैया हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।